द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, हम द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, मुझसे मधुर क्रोध लोभ काम कीजिए, वरदायनी माँ शारदे बेटी पुकारती, बेटी पुकारती माँ बेटी पुकारती, मुझसे कर वरदायनी माँ शारदे बेटी पुकारती, बेटी पुकारती माँ बेटी पुकारती, कर जोड़ मेरी विनती माँ प्रणाम लीजिए, कर जोड़ मेरी विनती माँ प्रणाम लीजिए, मेरे पास नहीं कुछ भी दामन में शब्द भर दो, मेरे पास नहीं कुछ भी दामन में शब्द भर दो, शैली हो भाव पूरित कविता की गंध भर दो, शब्देश्वरी वागेश्वरी वाणी का दान दो, वाणी का दान दो माँ वाणी का दान दो, दोहा सवैया सोरठा आंचल में छंद भर दो, दोहा सवैया सोरठा आंचल में छंद भर दो, सुमिरन करे जो तेरा भव से उतारती है, उनकी कलाओं को माँ पल में निखारती है, उज्ज्वल है तेरी ज्योति रोशन है यह जहाँ, रोशन है यह जहाँ माँ रोशन है यह जहाँ, चरणों को तेरे हे माँ गंगा पखारती है, चरणों को अच्छा। तेरे हे माँ गंगा पखारती है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, और 3 साल से आप सभी लोगों के बीच में आ रही हूँ। पुराना कुछ भी नहीं सुनाऊंगी, बस एक मुक्तक के अलावा, बाकी सब बिल्कुल नया सुनाऊंगी, जो अभी का लिखा हुआ है, कुछ आज का लिखा हुआ है और कुछ पिछले महीने का लिखा हुआ है, सब नया सुनाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे श्रोता जा चुके हैं, जो खाने के लिए आए थे वे जा चुके हैं, जो सिर्फ कविता सुनने के लिए आए थे वे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक एक श्रोता कुछ खा के आके बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन कविता का रस ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ भगवान खाना भी जरूरी है, भगवान चित्रगुप्त जी को आदरणीय गजेंद्र जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इधर दूसरे कोने पर करुणेश जी संचालन कर रहे थे, हम लोग बीच में सीता माता से लग रहे थे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में निवेदित करती हूँ, उनका मंच है, उनको प्रणाम करती हूँ, अपनी तरफ से, मंच की तरफ से, आपकी तरफ से, सुनेगा। शब्द शैली भाव पूरित अभिराम कर रही हूँ मैं आज शाम, आपके ही नाम कर रही हूँ, चारों दिशाएं ज्योतित जिनकी सदाओं से, चारों दिशाएं ज्योतित जिनकी सदाओं से, भगवान चित्रगुप्त को प्रणाम कर रही हूँ, भगवान चित्रगुप्त को प्रणाम कर रही हूँ। अच्छा। और देखिएगा, एक मुक्तक जो मैंने आज दोपहर ही लिखा है, वो मुक्तक मैं आप सभी के बीच निवेदित करती हूँ, मोबाइल मेरा डायरी है इसलिए मोबाइल लेकर आई, सुनेगा। भावों के पुष्प लेकर अर्पण में कर रही हूँ, भावों के पुष्प लेकर अर्पण में कर रही हूँ, अंतर की हर बुराई तर्पण में कर रही हूँ, हे देवों के देव मेरा हर पथ प्रशस्त कीजिए, हे देवों के देव मेरा हर पथ प्रशस्त कीजिए, दर्शन में अब तुम्हारा कण कण में कर, क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह, दर्शन में अब तुम्हारा कण कण में कर रही हूँ। पिछली बार जब मैं मंच पर आई थी तो मैंने एक नई वंदना आप चित्रगुप्त भगवान की सुनाई थी, इस बार भी मैंने मंच पर आने से पहले बिल्कुल नई वंदना है, अगर मैंने नहीं सुनाई तो मेरी वंदना लिखना बेकार हो जाएगा। मैं वंदना निवेदित करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मांगती हूँ, वंदना में सम्मिलित होइएगा। थोड़े से संस्कृत के शब्द हैं, सभी लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप सभी को समझ आएंगे, सुनेगा। मैं शरण तेरी गमन
आ जाओ प्रभु नयनम, मैं शरण तेरी गमनम। आ जाओ प्रभु नयनम, सब राग द्वेष हरणम, श्री चित्र गुप्त नमनम। सब राग द्वेष हरणम, प्रभु चित्र गुप्त नमनम। निर्मल भासित शोभित भगवन, देव मुनि प्रवरार्चित भगवन। निर्मल भासित शोभित भगवन, देव मुनि प्रवरार्चित भगवन। कुमकुम चंदन लेपित भगवन, सिद्ध सुरासुर वंदित भगवन। कुमकुम चंदन लेपित, अगर पंक्ति अच्छी लगे तो खुलकर तालियां बजाइएगा। कुमकुम चंदन बहुत अच्छा भगवन, शुद्ध सुरासुर वंदित भगवन। तुम यत्र तत्र रमनम, प्रभु चित्र गुप्त नमनम। आ जाओ प्रभु गुप्तम, प्रभु चित्र गुप्त नमनम। देव गुणार्चित सेवित भगवन, पंकज हार सुशोभित भगवन। देव गुणार्चित सेवित भगवन, पंकज हार सुशोभित भगवन। जन्म ज दुख विनाशक भगवन, सुरगुरु पूजत वंदित भगवन। देव गुणार्चित सेवित भगवन, पंकज हार सुशोभित भगवन। जन्म ज दुख विनाशित भगवन, सुरगुरु सुरवर पूजित भगवन। हो पाप मूल शमनम, श्री चित्र गुप्त नमनम। हो पाप मूल शमनम, श्री चित्र गुप्त भगवन। अष्ट दरिद्र विनाशक भगवन, बुद्धि विवर्धन कारक भगवन। अष्ट विवर्धन कारक भगवन, बुद्धि विवर्धन कारक भगवन। सर्व समुद्भव विन, सर्व समुद्भव कारक भगवन। संचित पाप विनाशक भगवन, सब कारण के करणम, श्री चित्र गुप्त नमनम। सब कारण के करणम, श्री चित्र गुप्त रमणम। लेख विवर्धन कारक भगवन, भव बंधन से तारक भगवन। लेख विवर्धन कारक भगवन, भव बंधन से कारक भगवन। परात्परम परमात्मक भगवन, शक्ति धर्म जग पालक भगवन। है चरणों में वंदन, श्री चित्र गुप्त भगवन। है चरणों में वंदन, श्री चित्र गुप्त नमनम। आ जाओ प्रभु नयनम, श्री चित्र गुप्त नमनम। भाई बहुत बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह। मेरी पिछली भी जो वंदना हुई है, कीर्ति जी हम चाहेंगे कि कुछ क्योंकि गणतंत्र दिवस का भी अवसर है और क्योंकि अवसर शौर्य कवि सम्मेलन का है, तो कुछ ऐसा भी कुछ अगर होगा तो अच्छा लगेगा। तालियों से आप आदेश कीजिएगा, ये उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी चित्रगुप्त भगवान जी के। मेरी पिछली बार की भी जो वंदना थी आप सभी ने इतने मन के साथ सुनी थी, सच में वो उसे देखकर ही लिखने का मन हुआ। और राजन जी से आग्रह, अगर वो इसी तरह हमें बुलाते रहे तो हर बार नई चित्रगुप्त वंदना लिख कर आएगी। क्या बात है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आज शौर्य दिवस भी है, बहुत हमारे भारत के जो क्रांतिकारी महान प्रणेता जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मैं सुनेगा। है जिनके बाजुओं में बल वही आकाश चढ़ते हैं। है जिनके बाजुओं में बल वही आकाश चढ़ते हैं। भरी शोणित शिराओं से वही इतिहास रचते हैं। भरी शोणित शिराओं से वही इतिहास रचते हैं। नमन उनको मेरा शत शत हजारों जन्म भी कम है। नमन उनको मेरा शत शत हजारों जन्म भी कम है। जो अपनी जिंदगानी भी वतन के नाम लिखते हैं। जो अपनी जिंदगानी भी वतन के नाम लिखते हैं। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करती हूँ। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा मेरे मन की भावना की अपनी
अभिव्यक्ति सुनेगा। बिल्कुल नई पंक्तियां कहीं सुनाई भी नहीं है। बड़े ज्ञानी से ज्ञानी भी जिन्हें दिन रात जपते हैं, बड़े ज्ञानी से ज्ञानी भी जिन्हें दिन रात जपते हैं, भावना वश हो शबरी के बेरों को राम चखते हैं, भावना वश हो शबरी के बेरों को राम चखते हैं, जमाने भर की परवाह वो करें जो दूर रघुवर से, जमाने भर की परवाह वो करें जो दूर रघुवर से, मेरी तकदीर का लेखा मेरे प्रभु राम रखते बहुत हैं। अच्छा है वाह वाह वाह। तकदीर का लेखा मेरे प्रभु राम रखते हैं। और चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यहाँ पर जो शाम है, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई श्रोता नहीं है, सब लोग देवता समान है। आप सभी के लिए भगवान श्री राम के लिए चरण पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। महकते गीत गजलों की चहकती शाम आई है, महकते गीत गजलों की चहकती शाम आई है, मानो देवों ने सब आकर यहाँ महफिल सजाई है, मानो देवों ने सब आकर यहाँ महफिल सजाई है, ये पावन धाम है मिट्टी यहाँ श्री राम जन्मे है, ये पावन धाम है मिट्टी यहाँ श्री राम जन्मे है, भगत हनुमान से सेवक यहाँ सीता सिमाई है, भगत हनुमान से सेवक यहाँ सीता सिमाई है। और सीधे सीधे गीत निवेदित करती हूँ। बहुत सारा पढ़ने का मेरा नया मन था, बहुत कुछ नया लिखा है। मैं एक सच, मेरा टाइटल है बुक का, मैं सच के ऊपर एक किताब लिख रही हूँ, जिसमें जिसमें भारत के जितना भी इतिहास है, जो सच के ऊपर जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, उसके ऊपर किताब लिख रही हूँ, कुछ पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। मेरा नया गीत है, उसे नहीं पढ़ रही, दूसरा पढ़ रही, सुनेगा। मैंने सोचा कि इतना लंबा गीत पढ़ोगे, वो थोड़ा लंबा गीत है तो थोड़ा सा समय की इजाजत नहीं है मुझे पढ़ने की। मैं तो घबरा गया था, लंबा गीत है तो चलिए कोई बात नहीं, ताली बजा के आदेश कीजिएगा, मन है कीर्ति का पढ़ने का। मैं गीत पढ़ रही नहीं, मैं वो नहीं पढ़ रही, थोड़ा लंबा गीत है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं सीधे सीधे दूसरा गीत निवेदित करती हूँ, वो भी नया ही है, पिछले महीने मैंने अयोध्या नगरी में बैठकर लिखा था। मैं गीत निवेदित करती हूँ, उससे पहले दो पंक्तियाँ जो जगदम्बा प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनेगा। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक, भारत माँ की शान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे। इस धरती से उस अंबर तक, भारत माँ की शान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे, जय जवान और जय किसान यहाँ जीवित स्वाभिमान रहे, बनाए विवेकानंद सभी और अमर यहाँ का ज्ञान रहे, इस धरती से उस अंबर तक, भारत माँ की शान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे। भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने भी बलिदान दिया है। पंक्तियां निवेदित करते, सुनेगा। स्वागत, बहुत अच्छा। दे प्राणों का दान दधीची महादान कर जाते हैं, दे प्राणों का दान दधीची महादान कर जाते हैं, राम नाम रस पीकर तुलसी भव सागर तर जाते हैं, राम नाम रस पीकर तुलसी भव सागर तर जाते हैं, जब जब पापी निरा अधर्मी रावण शीश उठाते हैं, तीन लोक के नाथ हरि श्री धरती पर आ जाते हैं, युगों युगों तक इस भारत का, युगों युगों तक इस भारत का होता गौरव गान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान। अच्छा। इस धरती से उस अंबर
अधर तक भारत माँ की शान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे। और देखिएगा जितने भी भारत में नदियां बहती हैं, सभी देशों में नदियां बहती हैं, भारत के जितनी भी पृथ्वी का कोना, सभी जगह से कहीं ना कहीं से नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर नदियों को माँ मानकर पूजा जाता है। पंक्तियां निवेदित करती, सुनेगा। गंगा यमुना सरस्वती का बहता कल कल पानी है, गंगा यमुना सरस्वती का बहता कल कल पानी है, विष का प्याला पीकर मीरा कर गई अमर कहानी है, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि है, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि है, वीरों की बलिदानी है, इस मिट्टी में खेल स्वयंभू बन गया घड़तानी है, ज्ञान और विज्ञान का नित नित, ज्ञान और विज्ञान का नित नित, शोध और संधान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे। मैंने ये अंतिम बंद है मेरा, मैंने इस पंक्तियों में जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भारत की सभ्यता संस्कृति थी थोड़ी सी उस पर धूल लग गई थी, वो उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को स्वच्छ बनाने और स्वस्थ बनाने का जो उनका प्रयास है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। ले संकल्प करें हम सिद्धि चहु और खुशहाली हो, ले संकल्प करें हम सिद्धि चहु और खुशहाली हो, हर घर में शिक्षा से रोशन होली और दिवाली हो, स्वस्थ रहे हर जन भारत का स्वच्छ यहाँ हर नाली हो, स्वस्थ रहे हर जन भारत का स्वच्छ यहाँ हर नाली हो, मिले सभी को रोजगार और कर भोजन की थाली हो, हो सपने साकार सभी के, हो सपने साकार सभी के, भारत देश महान बने, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे, जय जवान और जय किसान यहाँ जीवित स्वाभिमान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदुस्तान रहे, अधरों पर गीता रामायण दिल में हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतने अच्छे मन के साथ सुना है, थैंक यू।